कोई बोला तो बड़ा लग गया टाना। गाइस आप सभी को गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सो आज के दिन की शुरुआत हो रही दोस्तों 1:15। आज का प्लान दोस्तों नंगल जाने आज अपने को। कल मैंने आपको बताए थे अपने प्लान्स, तो एक नंगल का प्लान भी था उसमें, तो अब मैंने सोचा क्यों ना आज नंगल जाया जाए। तो नंगल यहाँ से सारा 20 किलोमीटर, अब 20, और तैयारी पूरी हो गई है। डीओ मार ले गया, अपर पहन लिया ब्लैक, अंदर से पहन लिया वाइट, ठीक है, पूरी तैयारी है। बस बाइक गर्म करनी है बस अपने को, बाकी सब ओके काम। चलो जी चलो, बाइक गर्मी, हर कुछ गर्मी है दोस्तों, हर कुछ गर्मी। काम तो काम होता है दोस्तों, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, अपन नहीं रुकते, सीधी सी बात है, क्यों ना मुँह। हाँ ठीक है। पुलिस वालों की नौकरी यार कौन सी आसान है, देखो खड़ी हुई है बेचारी, ये सामने खड़ा ना ये रेडी वाला है, इसकी छतरी के नीचे खड़ी हुई बेचारी, क्या करना। तो अभी मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे स्टोरी, मैं क्या यार यहाँ से चलने से पहले ना, उन्हें से चलने से पहले स्टोरी डाल देता हूँ, ताकि नंगल वालों को अपडेट पता चल जाए कि मैं नंगल की तरफ आ रहा हूँ। संडे वाला दिन है दोस्तों, और भीड़ देख सकते हो आप रोड पर, अच्छी खासी ट्रैफिक है आज, और भाई गर्मी से भीग गया मैं तो। अपना गाड़ी का एसी ऑन करना पड़ेगा अब। ओह क्या बात है यार। यहाँ से राइट बभोर साहिब के लिए, प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोती 5 किलोमीटर। सो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ हंडोला गांव में, और अब चलेंगे अपन हंडोला सस्पेंशन ब्रिज पे। देखिए गाइस मज़ा आ जाएगा आपको। पर गाइस हंडोला सस्पेंशन ब्रिज पे जाने से पहले आप ये जो सामने लिखी है वार्निंग, इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि यह पुल असुरक्षित है और इसका उपयोग प्रतिबंधित है, किसी भी दुर्घटना के लिए BBMB जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलते हैं गाइस, हर हर महादेव। संडे वाला दिन का प्लान मेरा सही था वैसे, क्योंकि संडे वाला दिन क्या था कि लोग सारे फ्री होते हैं, और जिनको मिलना हो तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं, और देख सकते हो भाई व्यू बहुत सुंदर है यहाँ पे। सो गाइज आप इस ब्रिज को ध्यान से देखोगे तो इसमें देख सकते हो आप सिर्फ 2 पिलर्स हैं, एक स्टार्टिंग में है और एक एंड में है, और बाकी पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो टिका हुआ है वायर्स के ऊपर। और इस ब्रिज की कंडीशन भी कुछ सही नहीं है, जंग लगी हुई है पूरे को, शायद इसलिए BBMB ने मना कराया है इसके ऊपर ना जाएं। और देख सकते हो आप, और जहाँ पे ये ब्रिज पड़ा उस जगह को कहते हैं हंडोला, तो इसलिए इसको हंडोला ब्रिज भी कहा जाता है। और जहाँ पे इस पुल का जो एंड हो रहा है ना, उस गाँव को कहते हैं नहला गाँव, और नीचे सतलुज का व्यू तो भाई क्या ही कहने हैं, बहुत सुंदर है। और सामने जहाँ पे फोकस कर रहा हूँ मैं कैमरा, वहाँ पे है ब्रह्मोती मंदिर, अभी अपन थोड़ी देर में वहाँ भी जाएंगे। तो देख सकते हो आप नज़ारा बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर है यार, दिल खुश हो गया यहाँ आके। आप भी ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे दोस्तों। और वहाँ सामने है दोस्तों ब्रह्मोती टेम्पल, अभी थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे अपन, ठीक है। पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, इंस्टा 360 निकालता हूँ बैक से, दिखाता हूँ आपको व्यू, और व्यू इन्जॉय करिए आप। भाई नहाने के लिए बढ़िया जगह है ये, पर इसमें तभी नहाना अगर आपको तैरना आता हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। लोग यहाँ पे दूरों दूरों से आ रहे हैं भाई घूमने, देख सकते हो आप हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के, पंजाब के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं घूमने। क्या बात है, एक बार हेलो कर दो सारे इसमें ब्लॉग के वाले सारे। क्या बात है, तुम नंगल तो होशियारपुर? अच्छा जी अच्छा, होशियारपुर अच्छा जलंधर तो है, अच्छा कल्ले फोटो खिंचवाना, ठीक है ठीक है। हेलो कर दो सारे, ये हमारे फैन होशियारपुर वाले। क्या बात है जी, दिल खुश हो गया यहाँ पे तो, बहुत अच्छी लोकेशन है, दिल खुश हो गया कसम से। मैं पहली बार आया हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा यहाँ पे, और इस बार तो मैं नहा नहीं पाया, रास्ता वहाँ से है। अच्छा इस बार तो भाई मैं नहा नहीं पाया, अगली बार तो मैं पूरा बंदोबस्त लेके आऊँगा, तौलिया कच्छा सब कुछ लेके आऊँगा साथ में। और वो रह गया आपका हंडोला ब्रिज सामने, वो है हंडोला ब्रिज, और बस नीचे है ब्रह्मोती मंदिर, बस पहुँचने वाला हूँ मैं। फाइनली हम पहुंच गए प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर ब्रह्मोती, गांव हंडोला, जिला ऊना। तो दोस्तों जिला ऊना पड़ता है ब्रह्मोती, और अभी अपन अंदर जा रहे हैं। दोस्तों यहां पे स्नान घाट बना रखे हैं, एक महिलाओं का है और एक पुरुषों का है, इस साइड पुरुषों का है और इस साइड महिलाओं का स्नान घाट है। और ये मंदिर है देख सकते हो आप, बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है भोलेनाथ जी का, तो देख सकते हो व्यू।
तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अब मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई पसीने से देखो पूरा भीग गया हूँ पूरा। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों नंगल के लिए, और बाकी अपडेट्स देखने के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो पानी गहरा नहीं है क्या? नहीं है गहरा। भाई आए हैं यहाँ पे बोर साइड से आए हैं। क्या नाम भाई? अभिषेक। अभिषेक नाम भाई का। भाई यहाँ पे मिलने आए हैं, बड़ा अच्छा लगा भाई से। भाई मैसेज कर रहे थे कल परसों से, भाई नहीं मिलना रहा, बड़ा अच्छा लगा। इंस्टाग्राम पे डालते हैं ये रील्स। किस नाम से आपका इंस्टाग्राम? प्राइम टाइम विद अभिषेक। प्राइम टाइम विद अभिषेक, आप जरूर सर्च करना इसको। और यूट्यूब पे सेम ही है। ठीक है जी, ठीक है, सपोर्ट करें भाई को। भाई ये अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो भी आपको सही लगे आप कमेंट में बताना। एकदम भाई से सीख रहे हैं, इनसे अपना एक्सपीरियंस लिया आज मैंने, बहुत इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ जी, तो बहुत दिल के बहुत अच्छे बंदे आप भी होंगे। कभी लाइफ में आपको मिलने का मौका मिला तो जरूर इनसे इनका एक्सपीरियंस सुनना। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग, अच्छा लगा। छः बज गए हैं और अभी मैं पहुँच गया हूँ नंगल में। तीन बार मिल चुका पहले भी ना, जब भी भाई मैं नंगल आता हूँ ये पक्का आता है भाई। ये कट्टर फैन है, कट्टर फैन कहते हैं ना उसे, ये वो है। जब भी नंगल आऊँ मैं यहाँ भी आया, इसने कहा भाई आना मुझको मैसेज करना। अभी क्या है, दोबारा प्लान बनेगा मेरा, भाखड़ा वो ट्रेन है ना बीएमई वाली, वहाँ जाऊँगा। तो भाई कह रहा है कि अपन साथ में चलेंगे, मैं क्या ठीक है ज़रूर। और एक मंदिर बताया, कौन सा मंदिर था? जलफा माता मंदिर। जलफा माता मंदिर कहाँ पे है वो? हम्बयाल में। हम्बयाल में, तो कोई ना वो मेरे को घुमाना, ठीक है? पक्का, ठीक है, मैं कल या परसों बनाऊँगा प्लान, तो अपन चलेंगे वहाँ पे, ठीक है।